हेलो एवरीबॉडी, क्लास नाइन्थ की मैथ्स की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 9। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स, हाउ दे आर डिस्क्राइब्ड एंड हाउ कैन वी फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके इज द यूट्यूब चैनल ऑन विच आप सब ये वीडियोज देख पा रहे हैं। तो लेट्स जीके को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपनी इन वीडियोज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके, सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। Now let's start with the worksheet. Worksheet says if there is only one variable x in the polynomial, then we can say represent px, qx, rx, etc. Similarly, polynomial with a variable y can be written as qy, py, ry. It doesn't matter. हो गया बिल्कुल क्लियर? यानी कि px होता है जिसमें सारे x वेरिएबल होते हैं, qy होता है जिसमें सारे y वेरिएबल होते हैं। अगर इनको दोनों का मुझे क्या निकालना है, जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो। जीरो निकालना है तो आई विल ट्राई कि इनको वाई की जगह कुछ ऐसा रखा जाए, क्योंकि वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, वन की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती है ना। जो 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 चीज़ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती है, तो वाई को ऐसी वैल्यू रखी जाए जो क्यू वाई को जीरो बना दे। पी एक्स में एक्स की वैल्यू ऐसी रखा जाए जो पी एक्स को जीरो बना दे। ऐसी वैल्यू वाई की जो क्यू वाई को जीरो बना देगी उसको कहेंगे क्यू वाई का जीरो। क्यू वाई जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो या जी, ठीक है। और पी एक्स को जो जीरो बना देगी उसको कहेंगे जीरो ऑफ द एक्स पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हुए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द थिंग, कोई भी एक वैल्यू जो वहां पर वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को, जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है, उसको कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो, वी टेक सम पॉलिनोमियल्स, विल टेक फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। हम देखेंगे कौन सी वैल्यू एक्स की लेने से पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो वैल्यू आएगी ना एक्स की जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, उस वैल्यू को, जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम कहेंगे द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको? द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले जो मेथड दिखाया गया है, सबसे पहले जो मेथड दिखाया गया उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड दिया गया। हिट एंड ट्रायल मतलब हमें एक ऐसा मेथड दिया गया जिसमें हम अलग अलग वैल्यूज रख के देखते हैं। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, पहले हमने जीरो रख के देखा, वैल्यू आई माइनस टू। फिर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो हमने वैल्यू रख के देखी एक्स इज इक्वल टू वन, लेकिन फिर भी यहां पर वैल्यू आई माइनस वन, क्योंकि वन माइनस टू हो गया, एक्स की जगह मैंने वन रख दिया, तो यहां पर हो गया वन माइनस टू, तो वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन, वन माइनस टू करने से। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं निकला, हमें क्या बनाना है, इसको जीरो बनाना है। फिर हमने रखा पी एक्स को एक्स माइनस टू में, पी की एक्स की वैल्यू रखी टू, यहां पर जीरो रखी थी, यहां पर वन रखी, तो यहां पर रखी टू। जब पी की वैल्यू टू रखी तो टू माइनस टू हो गया, यानी कि पी टू कितना हो गया? जीरो। यानी कि एक्स की वैल्यू टू रखो तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो। यानी कि इट्स पॉलिनोमियल का जीरो है टू, एक्स इज इक्वल टू टू। ये क्लियर हो गया है? यहाँ पर भी हमने वही मेथड किया। अब हम देखेंगे कि, अब एक तो हम समझ गए कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इन केस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, देन वी विल ट्राई एंड लर्न कुछ ऐसा मेथड जिससे इजीली हम लोग बिना हिट एंड ट्रायल के मेथड से ये निकाल सकें कि क्या पॉलिनोमियल किया जा सकता है, पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द, लेट्स गेट टू द रजिस्टर, आई विल शो यू इन द रजिस्टर एंड सॉल्व इट, और सॉल्व करके आई विल टेल यू कि कैसे हम निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो। चलिए चलते हैं, चलिए बेटा शुरू करते हैं। शून्य किसे कहते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी वैल्यू जहां एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, एक दो तीन चार रखने से पी एक्स की वैल्यू, यानी बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो हो जाए, उसको कहते हैं बहुपद का शून्य। उसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको कहते हैं बहुपद का शून्य। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने यहां रखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू दिया हुआ था बेटा, हमने पी को जीरो, एक्स को जीरो रखा, एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी? जीरो रखी, तो जीरो माइनस दो आ गया, यानी पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? माइनस दो। हमें कितनी चाहिए? अगर शून्य चाहिए तो जीरो चाहिए। x इज इक्वल टू वन रख के देखते हैं, p की वैल्यू वन रखी, x माइनस टू, तो x की जगह हमने क्या लिखना है? वन, वन माइनस टू माइनस वन, यानी पी एक्स की वैल्यू यहां पर अगर x इज इक्वल टू जीरो था तो माइनस दो आ रही थी, x की अगर वन है तो आ रही है माइनस वन। ये क्लियर हो गया? इसके बाद भी एक जीरो नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए? जीरो। अब हम रखते हैं x की वैल्यू दो, अगर x की वैल्यू दो रखो तो p दो, यानी x की जगह मैंने दो लिख दिया, यहां भी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? दो, दो माइनस दो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस वाले पी एक्स एक्स माइनस टू का, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू को शून्य बनाने वाली वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू टू।
यानी अगर x इज इक्वल टू टू लिख दो तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, यानी कि ये पी एक्स का शून्यक है। ये क्या है, पी एक्स का शून्यक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी दो है पी एक्स का x माइनस टू का शून्यक, सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, जो पॉलिनोमियल को, बहुपद को जीरो बना देता है, उस वैल्यू को कहते हैं उस बहुपद का जीरो। ये बात समझ में आई, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा वही कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें दिए गए हैं सवाल, सवाल करना शुरू करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये तरीका बड़ा मुश्किल है, अगर आप एक एक वैल्यू रखते जाओगे तो शायद बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम तरीका ढूंढते हैं इसको ऐसे लिखने का। अब यहाँ मैंने पी जीरो लिखूंगी पहले, फिर मैं पी वन लिखूंगी, फिर मैं पी टू लिखूंगी, हो सकता है मैं 100 तक लिखूं और फिर भी ये वैल्यू क्लियर ना हो। तो इसको तरीके करने का तरीका, हमें इसको क्या बनाना है बेटा, हमें इसको बनाना है इक्वल टू जीरो, यही तो बनाना है, इक्वल टू जीरो बनाना है। यहाँ पर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस है यहाँ पर, उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा। तो x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन है पी एक्स का शून्य। कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके देख लो, x माइनस वन था, x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है शून्य में, वन, तो वन माइनस वन हो गया ना जीरो, यानी कि ये वैल्यू जो तरीका है ये बिल्कुल सही है शून्य निकालने का। अगले सवाल पर आते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, इज इक्वल टू जीरो ही तो करना है, कर दिया इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वन था बेटा, उधर जाके प्लस वन हो गया, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में था, जो बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री अगर यहाँ रखते हैं, अगर यहाँ एक्स की जगह वन बाय थ्री रखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। देखो तीन, एक बटा तीन कट गया, एक माइनस एक जीरो हो गया कन्फर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, आर एक्स एक्स माइनस फाइव है, इसका मतलब है आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू, जिसकी वजह से जीरो हो जाए, कैसे हो जाए, चलो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस है यहाँ, उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा, बिल्कुल आसान, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, फाइव, फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस वन में आते हैं, एक्स की वैल्यू क्या रखें कि ये जीरो हो जाए, यहाँ रखो जीरो, फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो जमा एक, यानी एक, और एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, क्यू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखो, थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, बेटा ये गुना में है, उधर जाएगा तो ये भी जीरो ही होता, तो यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, यहाँ पर क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आई वन बाई फाइव, और यहाँ पर आई एक्स की वैल्यू फाइव, ये सब वैल्यू जो निकली इसी, ये जो वैल्यू है यही है इस बहुपदों का शून्यक, ये इसका शून्यक है एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स का फाइव माई एक्स माइनस वन जो पी एक्स है इसका शून्यक बनता है एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव, आर एक्स एक्स माइनस फाइव का शून्यक बनता है एक्स इज इक्वल टू फाइव। आई होप सारी वर्कशीट क्लियर है, अगर वर्कशीट क्लियर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पहाड़े सीखिए, स्क्वायर करना सीखिए, क्यूब रूट सीखिए, क्यूब करना सीखिए, अगर ये सारी चीज़ें सीखते रहेंगे तो मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। बाय, थैंक यू, टेक केयर।